प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी 8th क्लास इंग्लिश बुक वर्कबुक के अंदर हमारी यूनिट 5 है जो लिंक लेसन हमारा द स्मिट विद इन है, इसकी एक्सरसाइज इस वर्कबुक में हम जो हल करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। लुक एट द पिक ब्राउचर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो नीचे दिया गया है चित्र, इसको हम ध्यान से देखते हैं और फिर नीचे जो इसके बारे में दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं 2-3 बार। द टोन सतलुज वाटर शेड सेपरेट द गढ़वाल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड हिमालय रिवर रनर्स एच आर आर बेस कम्स इज सिचुएटेड इन पाइन फॉरेस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टोन एट 4,000 feet अबव द सी लेवल, समुद्र से 4,000 feet की ऊंचाई पर। इट इज एन आइडियल समर आउटिंग, वन कैन इंजॉय, वहाँ पर जो है इंजॉय कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग का, ट्रॉट फिशिंग, बर्ड वॉचिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, डे हाइक्स एंड आवर नाइट ट्रैक्स। इन चीज़ों का हम जो है वहाँ इंजॉय भी कर सकते हैं। वहाँ पर जाएँ कैसे, हाउ टू गेट देयर, बाय रोड से जा सकते हैं, रेल और एयर के माध्यम से भी हम जो है वहाँ पर जा सकते हैं। बुकिंग कैसे करवाएँ, एच आर आर ऑफिस इन दिल्ली, एच आर आर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एन ए फर्स्ट फ्लोर ग्रीन पार्क मेन न्यू दिल्ली 110016। ये जो एड्रेस है बुकिंग का, वहाँ से हम जो है एड्रेस जो बुकिंग करवा सकते हैं। कैंप के बारे में, अबाउट द कैंप के बारे में है। टेम्परेचर वहाँ दिन के अंदर 24 से 29 डिग्री सेल्सियस रहता है, दिन का टेम्परेचर वहाँ ये है। नाइट का टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री सेल्सियस है, रात का टेम्परेचर। अकोमोडेशन यानी डिलक्स टेंट्स ऑन ट्विन शेयर्ड बसेस, दिस इज मील्स, भोजन के बारे में, बफेट मील्स विद मिक्सचर्स ऑफ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल होता है महाद्वीप। नेक्स्ट है शॉवर्स, सिंपल बट एफिशिएंट है। हॉट वाटर इज प्रोवाइडेड ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार जो है गर्म पानी उपलब्ध कराया जाता है एंड ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के ऊपर आधार पर। हॉलीडे पैकेज टोन गेट अवे है, ये 3 डेज का है। टोन ग्रेट एस्केप है, ये 4 डेज का है। टोन अल्पाइन एक्सपीरियंस, ये 5 डेज का है। अलग अलग इसके अंदर जो है पैकेज हैं, 3 डेज 4 डेज 5 डेज, उनके अलग अलग जो है नाम भी दिए गए हैं। अब इनके नीचे जो क्वेश्चन है उनको हम ध्यान से देखते हैं। व्हाट डज एच आर आर स्टैंड फॉर एंड वेयर इट इज सिचुएटेड। एच आर आर का मतलब क्या है और ये कहाँ पर है, तो हमने पैराग्राफ के अंदर हमने ऊपर देखा था, हिमालय रिवर रनर्स बेस कैंप इज सिचुएटेड इन पाइन फॉरेस्ट। एच आर आर का मतलब है हिमालय रिवर रनर्स और बेस कैंप है इज सिचुएटेड इन ए पाइन फॉरेस्ट के अंदर जो है ये सिचुएटेड है। ये पैराग्राफ के अंदर जो है हमने यहाँ पर भी देखा था, ये इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ से पहले का। दूसरा क्वेश्चन आगे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है नेम फॉर स्पोर्ट्स, 4 उन खेलों के नाम बताने हैं दैट वन कैन एंजॉय इन द बेस कैंप, जो बेस कैंप में जो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें है रिवर राफ्टिंग है, ट्रॉट फिशिंग है, बर्ड वॉचिंग है और रॉक क्लाइंबिंग है। ये 4 प्रकार के जो गेम है जो हम वहाँ पर जो है इंजॉय कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर ये वाले आंसर इसके अंदर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर हेयर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। दिन और रात का जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, डे में जो है 24 से 29 डिग्री सेल्सियस है और नाइट का है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है द बफेट मील्स इंक्लूड, बफेट मील है वहाँ क्या क्या इंक्लूड है, इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस, इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस इसके अंदर ये आ जाएगा। फिफ्थ है द टोन गेटवे पैकेज फॉर 3 डेज का है, ये टोन गेटवे पैकेज है, ये 3 डेज का है। और इसके अंदर सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है, द टोन एल्पाइन एक्सपीरियंसिस पैकेज, ये कितने, 5 डेज का है, 5 डेज यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस
ऑफ योर ऑन। कुछ वर्ड दो, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको अपने सेंटेंस में जो है हमें फिट करना है। इन्जॉय, तो आप सेंटेंस इसका बना सकते हो आई इन्जॉय ड्राइंग। मिक्सचर, मिक्सचर का आप सेंटेंस बना सकते हो हर साइट वाज ए मिक्सचर्स ऑफ कंटेंटमेंट एंड रिलीफ। इस प्रकार से आप जो है इनको जो है वर्ड को आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज वोकैबुलरी। वी ऐड द सुफिक्स, ईआर सुफिक्स हमें जोड़ना है फ्रॉम नाउंस। एग्जांपल क्लाइंबर एवरेस्टर, जैसे दो करके बता रखे हैं। यू कैन मेक न्यू वर्ड्स, आप भी नए शब्द बना सकते हो आई एस टी जोड़ करके एस एच आई पी एच डबल ओ डी टू फॉर्म नाउन। नाउन के आगे आप ये जोड़ करके जो आप बना सकते हो, जैसे आई एस टी जोड़ के आर्ट है, आर्ट के आगे आई एस टी आर्टिस्ट। टाइप के आगे आई एस टी टाइपिस्ट। शिप है, फ्रेंड के आगे आपने जोड़ दिया शिप फ्रेंडशिप। हार्ड के आगे जोड़ दिया हार्ड शिप। वुड है, चाइल्ड के आगे चाइल्डहुड ब्रदरहुड। इस प्रकार से आप जो है यू ऐड द सुफिक्स ई आर, इस तरह से आप जोड़ करके आई एस टी है एस एच आई पी है एस डबल ओ डी है जो जोड़ करके टू फॉर्म नाउन्स। आप जो है नाउन इसमें जो है आगे देखिए ऐड आई एस टी, आई एस टी ऐड करना है, सिप ऐड करना है, हुड ऐड करना है, द फ्लोविंग टू मेक न्यू वर्ड्स और नए शब्द हमें बनाने हैं। जैसे नावल है, नावल के आगे आपने आई एस टी जोड़ दिया एन ओ वी एल आई एस टी नॉवलिस्ट उपन्यासकार। कार्टून है कार्टूनिस्ट। सोशल है सोशलिस्ट। टेरर है टेररिस्ट। फ्लैग है फ्लैगशिप, आपने एस एच आई पी जोड़ दिया है। रिलेशन के आगे रिलेशनशिप जोड़ दिया। स्पोर्ट्समैन है स्पोर्ट्समैनशिप। ऑनर है ऑनरशिप। मदर है, मदर के आगे ने आपने एच डबल ओ डी जोड़ दिया, मदरहुड हो गया। फॉल्स है फॉल्सहुड हो गया। बॉय है बॉयहुड हो गया। प्रिस्ट है प्रिस्टहुड हो गया। इस प्रकार से आप जो है आई एस टी इनमें आगे आई एस टी जोड़ेंगे और इनमें एस एच आई पी जोड़ देंगे और इनमें जो है एच डबल ओ डी जोड़ करके आप जो है नए शब्द जो है बना सकते हो, मेक न्यू वर्ड्स आपने बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया बी पार्ट में हम देखते हैं फाइंड आउट द वर्ड, उन शब्दों को ढूंढना है दैट हैव बीन स्पेल्ड इनकरेक्टली, जिनकी स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत है। इन द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग लिखनी है इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो खाली जगह दिए गए हैं यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग से आपने जो शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंसिस, इसमें वेंचर की स्पेलिंग जो रॉन्ग है तो यहाँ देखिए वी ई एन टी यू आर ई हो जाएगा, इसके अंदर वी ई एन टी यू आर ही हो जाएगा वेंचर उद्यम। और नेक्स्ट एक्सपीरियंसिस है, एक्सपीरियंसिस की यहाँ जो है स्पेलिंग जो है मिस्टेक है ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई एक्सपीरियंसिस, ई एक्स पी ई एक्स पी ई आर आई ई, ये सही है, चलो ये सही है। और आगे देखिए ओडेल्स है ओ आर डी ई ए आ जाएगा इसके अंदर, ओडेल्स के अंदर ए है मिसिंग है। और आगे हम देखते हैं ये है रिसोल्युटी, तो इसमें जो है टी ई एल वाई टी ई एल वाई ये हमें ठीक करके यहाँ लिखना है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंसेस, वर्थ वाइल की यहाँ देखिए इसमें जो है एच मिसिंग है, वर्थ वाइल के अंदर एच मिसिंग है तो ऐसे स्पेलिंग हम यहाँ लिख देंगे एक्सपीरियंसेस। द कॉन्क्विस्ट, तो यहाँ जो इसकी जो है स्पेलिंग रॉन्ग है तो यहाँ हम लिख लेंगे कॉन्क्विस्ट ऑफ द इंटरनल समिट की, यहाँ स्पेलिंग जो है डबल एम आएगा मिसिंग है तो यहाँ समिट कर लेंगे। और वर्थ वाइल इस प्रकार से जो है इसमें एच जो है मिसिंग है तो ये हमने सही करके यहाँ लिखनी है, जो स्पेलिंग जो मिसिंग है और जो सही करके हमें इन खाली स्थानों में इनको जो है इस प्रकार से हमें लिख लेना है। आगे जो ग्रामर पोर्शंस में हम देखते हैं
टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो वर्ब की सही फॉर्म है उनको हमें टिक करना है। साउन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गई है, इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए गए हैं और जो सही हो उन पे हमें से टिक करना। वन हैज डन इट फॉर यू, एक आपको जो करके दिखाया गया है, जैसे पहला ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनेट है तो यहाँ वर्ब वेंट आ जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो, लेफ्ट आ जाएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। दे हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, पास्ट परफेक्ट के बाद जो है पास्ट इंडेफिनेट है तो ये केम आ जाएगा, ही केम, केम आ जाएगा इसके अंदर। फोर्थ वाक्य है ही डैश विजिटेड एस लास्ट मंथ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो विजिटेड वर्ब सेकंड फॉर्म जो है हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ यूज कर लेंगे, विजिटेड इसके अंदर हो जाएगा। फिफ्थ वाक्य दिए गए है वी डैश टू सी द सिनेमा लास्ट नाइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट है, वेंट का इस्तेमाल हम जो है यहाँ करेंगे। सिक्स सेंटेंस हमारा दिया गया है जेम्स वाट डैश द स्टीम इंजन, इन्वेंटेड किया है, सेकेंड फॉर्म है, जेम्स वाट ने जो है स्टीम इंजन, भाप के इंजन की जो खोज की तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है इन्वेंटेड है, ये हमारा आ जाएगा। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनेट है तो अराइव्ड हम जो है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, अराइव्ड। एट्थ वाक्य हमारा दिया गया है सी डैश बोर्न इन 1918, तो वाज हम लगा देंगे, सी वाज बोर्न इन 1980, वह 1980 में पैदा हुई। नाइन्थ वाक्य हम देखते हैं, नौवां देखते हैं, द एक्सपीरियंसिस ऑफ डैश द माउंटेन इज ए गुड फीलिंग, तो क्लाइंबिंग आ जाएगा, पहाड़ी पे चढ़ना जो है एक अच्छा अनुभव है, सुखद है, क्लाइंबिंग इसके अंदर हो जाएगा। दसवां दिया गया है द हिज फादर विल बैक नेक्स्ट वीक, कम इसके अंदर हम जो है कम भर लेंगे। आगे बी पोर्शन में हम देखते हैं प्रोनाउन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप स्वरूप ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ऑन माउंटेन पीक, ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। इसके अंदर जो हमें जो ये डार्क में दिए गए हैं ये प्रोनाउन है और इस द वर्ड इन बोल्ड इन दिस सेंटेंस आर प्रोनाउन, ये सारे के सारे जो है ये प्रोनाउन है, इट भी इसके अंदर प्रोनाउन ही आ जाता है। यूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें सही प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है और खाली स्थान जो है हमें भरना है। ए बिजनेस मैन वॉकड इन टू द बैंक इन चेन्नई एंड कॉल्ड ऑन द लोन ऑफिसर, एक बिजनेस मैन है जो वो चेन्नई बैंक में गया और वो उसने लोन ऑफिसर से कहा, ही टोल्ड उसने कहा He was going to Trivandrum on यहाँ ही आ जाएगा business for 2 week and needed a loan of 10,000। उसे जो है त्रिवेंद्रम जा रहा है वो और उसे जो है लोन की जो है आवश्यकता है, for 2 week needed a loan, कितने 10,000 लोन की। The loan officer asked him what security, और लोन ऑफिसर ने उससे कहा कि वह क्या उस सिक्योरिटी क्या देगा, व्हाट सिक्योरिटी ही कुड ऑफर, कि उस सिक्योरिटी के रूप में जो है क्या देगा, ही देगा इसके अंदर। तो आगे है द बिजनेसमैन हैंडेड आवर द की ऑफ, और बिजनेसमैन जो था उसने जो अपनी जो हैंडेड जो की ऑफ हिज यहाँ ही जा जाएगा, एंकर पार्कड इन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द बैंक। द बैंक एग्री टू एक्सेप्ट द कार एज कोलेट्रल ऑफ द लोन, एन एम्प्लॉय ड्रॉव द लंसर टू द बैंक्स गैरेज इन द बेसमेंट एंड पार्कड इट, इट मतलब ये कार की जगह इस्तेमाल किया गया इट, और उसने जो है बैंक के कर्मचारी ने उसकी कार को जो है सिक्योरिटी के रूप में लिया और उसे जो है गैरेज में, बेसमेंट के गैरेज में जो है पार्क कर दिया, इट इट आ जाएगा, ये कार की जगह आया है तो यहाँ प्रोनाउन इट है, कार की जगह जो
जो नाउन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, यानी जो संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम है, इंग्लिश में हम इसको जो है प्रोनाउन कहेंगे। तो ये इट है, ये कार की जगह प्रयोग किया गया है। टू वीक लेटर और दो सप्ताह बाद क्या होता है, द बिजनेस मैन रिटर्न रैपिड 10,000 विद इंटरेस्ट, और दो सप्ताह बाद जो है उस बिजनेस मैन ने 10,000 रुपये उसके ब्याज से जो चुका दिए, विच कैन टू ₹100। द ऑफिसर सैड, और फिर उसके बाद ऑफिसर क्या होता है, द ऑफिसर सैड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। वी या बैंक के कर्मचारी ने अपने कर्मचारियों अब सभी कर्मचारियों के लिए कहा है कि वी आर हैप्पी, या वी प्रोनाउन है, वी आर हैप्पी, हमें बड़ी खुशी है टू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि एक हमें मौका मिला है टू सर्व यू, आपकी सेवा करने का। यू, ये बिजनेसमैन की जगह यू का प्रयोग किया गया, ये प्रोनाउन है। एज दिस ट्रांजेक्शन्स हैज़ वर्कड आउट वेरी नाइसली, बट वी, लेकिन हम क्या है, वी आर लिटिल पजल्ड, हम थोड़े जो परेशानी मुश्किल में हैं। वाइल यू, जब तुमने, ये बिजनेसमैन की जगह यू का इस्तेमाल किया गया, प्रोनाउन है। वाइल यू आर अवे वी फाउंड, तो हमने पाया दैट यू आर ए मल्टी मिलियनियर, है ना, कि जब आप गए तो हमने पाया था कि आप तो एक बहुत जो है धनवान हैं, करोड़पति हैं आप तो। व्हाट पजल अस, तो हमें बड़ा जो है पजल हुआ, हम परेशानी मुश्किल में हो गए। इज व्हाई डिड यू हैव टू बोरो 10,000, आप इतने धनवान थे लेकिन फिर हमने आपने हमसे जो है 10,000 रुपये ही क्यों मांगे, आप इतने धनवान थे, आपके पास इतनी जो है लग्जरी गाड़ी थी, तो हम सारे के सारे मुश्किल में पड़ गए। द बिजनेसमैन रिप्लाइड, और फिर बिजनेसमैन ने जो है जवाब दिया, वेयर एल्स इन चेन्नई कैन आई पार्क माई कार फॉर टू वीक फॉर ₹100। तो उसने बिजनेसमैन ने जवाब दिया कि मैं जो मेरी पार्क 100 रुपये में कहाँ चेन्नई में जो पार्क कर सकता था। तो ये आई भी जो है प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन है, इस प्रकार से एक स्टोरी के माध्यम से कुछ प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, आप इसको जो है देखें समझें। नेक्स्ट आगे हैं डिक्शनरी प्रैक्टिस के अंदर दिया गया है एब्रीवेशन इन द फ्रेजेस। माउंट एवरेस्ट, माउंट स्टैंड फॉर माउंटेन, माउंट इज एन एब्रीवेशन ऑफ माउंटेन, एब्रीवेशन है ये कुछ संक्षिप्त शब्दों का छोटा रूप है। लुक अप ए डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को देखिए, शब्दकोश को देखिए फॉर द फॉलोइंग एब्रीवेशन, ये कुछ एब्रीवेशन दिए गए नीचे इसके लिए, एंड राइट देयर फुल नेम फॉर्म्स, और उनकी जो है फुल फॉर्म आपको जो है लिखनी है, जैसे कुछ नीचे दिए गए हैं। नंबर एक एम आर है, तो ये मिस्टर का शॉर्ट रूप है। डी आर डॉक्टर, सी ओ कंपनी, जीओवीटी गवर्नमेंट, एलटीडी मतलब लिमिटेड, एनओ डॉट नंबर, एम आई एन डॉट मिनिमम, एस आर डॉट सीनियर, एम ए एक्स मैक्सिमम, जे आर जूनियर, ये सारे के सारे जो हैं फुल फॉर्म जो है इनकी जो है दी गई एब्रीवेशन की, आप इनको जो है ध्यानपूर्वक देखें व समझें। इस प्रकार से कुछ ये दिए गए हैं, आप इनको भी जो है देख सकते हो, आप इनको ध्यानपूर्वक जो है पढ़ें। नेक्स्ट पेज पे आगे है स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने का अभ्यास और लिखने का। राइट कंपोजिशन, कंपोजिशन लिखना है। ए कपिल द हेड बॉय ऑफ मॉडर्न स्कूल मेड ए कॉपी ऑफ प्रोग्राम ऑन सेलिब्रेशन इन ए स्कूल, अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉर्ड इट in its proper order. You will have a brief description of the program. Arrange the event in the proper sequence by mentioning the number 1, 2, 3, etc. in the given against
ईच इवेंट। इसमें क्या होता है कि कपिले का हेड बॉय होता है जो मॉडर्न स्कूल का है, और वहाँ उसके स्कूल में एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज होता है, सेलिब्रेशन मनाया जाता है, और दुर्भाग्यवश जो है वो इनको रिकॉर्ड जो है रखना भूल जाता है क्रम से, और जो है आपको इनको जो है क्रम से आपको लिखना है 1 2 3 नंबर के दे करके, नंबरिंग दे करके। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे इस बॉक्सेस के अंदर जो है कुछ दिए गए हैं फ्रेजेस जो दिए गए हैं, और उनके आगे जो है बॉक्सेस हैं, हमें इन बॉक्सेस को जो है क्रम वाइज में क्रम से गिनती के अनुसार हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम सभी को पढ़ेंगे एक बार, अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग, चीफ गेस्ट स्पीच, वोट फॉर वोट ऑफ थैंक्स, प्रैक्टिस सॉन्ग एंड डांस, नेशनल एंथम्स, अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, परेड, मार्च पास्ट, स्पेशल्स, योगा शो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, डिस्पर्सल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने ये लिया है कि अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, इसको हम नंबर 1 दे देंगे, और उस चीफ गेस्ट के आगमन के बाद जो है परेड होती है, मार्च पास्ट होता है, इसको नंबर 2 दिया हमने, और उसके बाद मार्च पास्ट के बाद जो है अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग, ध्वजारोहण होता है नंबर 3, और ध्वजारोहण के बाद जो चीफ गेस्ट स्पीच देता है इसको इसको हमने 4 दे दिया, और 4 के बाद जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड डांस जो है देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, इसको हमने 5 नंबर दे दिया। उसके बाद स्पेशल योगा शो होता है तो इसको हमने 6 नंबर दे दिया, और योगा शो के बाद वोट ऑफ थैंक्स तो इसको हमने 7 दिया, और उसके बाद नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स होती है, और फिर लास्ट में डिपर्सल्स ऑफ स्टूडेंट अपने अपने घर जो है वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से हमने जो है इनको खानों में क्रम से इनकी काउंटिंग लिखनी है। बी पोर्शन में, गौरी इज ए वेरी केयरफुल चाइल्ड, गौरी एक बहुत जो है सावधान रखने वाला जो बच्चा है, और सी कीप्स एवरी थिंग, वो हर चीज़ रखता है इन प्रॉपर प्लेस, हर चीज़ अपने उचित स्थान पे रखता है। द पैसेज डिस्क्राइब्स हर रूम, और जो पैसेज है ये उसके कमरे का वर्णन करता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल्स प्रपोजिशन, हमें भरनी है इन खाली स्थानों के अंदर, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो कुछ प्रपोजिशन दिए गए इनको हमें जो बॉक्सेस में भरना है। यू कैन यूज योर प्रपोजिशन मोर देन 1, आप एक प्रपोजिशन को एक से ज़्यादा बार भी अगर वो आती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम इनकी जो है प्रैक्टिस करते हैं। गौरी रूम इज वेरी डर्ट टाइडी, गौरी का रूम जो है, गौरी का कमरा बड़ा तंग है। एवरीथिंग इन, इन आ जाएगा इसके अंदर, हर रूम इज, प्रत्येक चीज जो उसके कमरे में है इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस, उसके सही स्थान पे है। हर बैग इज ऑन ऑन द टेबल, किसी चीज़ के ऊपर हो तो वहाँ ऑन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। देर इज स्मॉल साइड टेबल, और टेबल के एक साइड में, तो साइड में होती है तो बिसाइड यूज करेंगे। हर बेड, बिसाइड में उसका जो है एक बेड है। ए टेबल लैम्प इज लेइंग, ये टेबल के ऊपर है तो ऑन ऑन द टेबल। गौरी कीप्स हर शूज, गौरी अपने जूतों को रखती है, शू रैक में रखती है तो इन शू रैक्स। सी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर, वो कुछ कागज के टुकड़े जो है रखती है, इन टू द डस्टबिन, डस्टबिन में इन टू, इन टू का इस्तेमाल करें। सी हैज ए क्लॉक, और दीवार पर घड़ी है तो ऑन द वॉल। इस प्रकार से ये प्रपोजिशन जो है हम भरेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पे आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें, चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पर्दे दिखाई दे रहे हैं, दीवार घड़ी है, गुलदस्ता है, टेबल है, मेज है, बेड है, इस तरह से बहुत सारी चेयर हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, और उसका जो है उसके बारे में हमें नीचे लिखना है। नेम द थिंग इन द रूम, जो चीज़ें आपको रूम के अंदर दिखाई दे रही हैं उनके नाम लिखने, जैसे एक क्लॉक है आपको दिखाई दे रही है, क्लॉक घड़ी दिखाई दे रही है, ए चेयर दिखाई दे रही है, ए टेबल है, ए बेड है, है ना, ए प्लांट है, पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ट्वाइस यानी बहुत सारे हैं, तो ट्वाइस भी आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। बच्चों इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को आप अपनी वर्कबुक में भी करिए, और इस वीडियो को आपको बार बार आपको देखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी आशा के साथ आप इसको जो है देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।